औरंगाबाद के इंफ्रा यूनिटेक के मजदूरों ने अपनी वेतन भुगतान की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। मजदूरों ने डीएम से बकाया वेतन का भुगतान कराने की गुहार लगाई है। मजदूरों का कहना है कि पिछले 5 सालों से कंपनी ने उनका पैसा नहीं दिया है और जब बकाया वेतन की मांग की जाती है तो प्रबंधन आश्वासन देकर मामले को टाल देता है। हम लोग जब पेमेंट मांगने के लिए जब हम लोग आवाज उठाया तो हम लोग क्या किया कि गेट पास का जो नंबर है नंबर लेकर के हम लोग का गेट पर रुकवा दिया। इसके बाद बोला कि जो करना है करो, हम नहीं कुछ कर सकते। 24% हम लोग का पीएफ जो कटिंग करता है, जो पीएफ काटता है हम लोग का 24% काटता है। सभी कंपनी का करता है 12%, 12% कंपनी देता है, 12% स्टाफ को करता है, मगर हमारे कंपनी में ऐसा है 24% का 24% हमसे ही कटता है। लेकिन कटने के बावजूद भी एक रुपया भी जमा नहीं होता है। साल में एक महीना जमा कर देता है, साल में एक महीना दो महीना ऐसे कर करके जमा करता है। थक हार कर मजदूरों ने डीएम से इस मामले में हस्तक्षेप करने और बकाया वेतन को जल्द दिलाने की मांग की है। औरंगाबाद से प्रियदर्शी, पंजाब केसरी टीवी।